बेहतर जिंदगी की चाह में इंसान कहां से कहां पहुंच गया। दो परिवार का चिराग बुझ गया है तो किसी की मांग का सिंदूर पूछ गया। जो बोया वही काटना पड़ता है, इससे ज्यादा हकीकत और कुछ नहीं। दोस्तों, सफरनामा में आज हम आपको जिंदगी के कटु सत्य से रूबरू कराएंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि आदमी किस तरह अंधा होकर दौलत के लालच में बेतहाशा भाग रहा है और दौलत हासिल करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाता है। अंत तक हमारे साथ बने रहे। हम दोस्ती, हत्या और दौलत की कहानी का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। नवी मुंबई निरुल पुलिस थाने में दो लोगों के गुम होने की शिकायत 22/8/2024 को दर्ज करवाई गई थी, जिसमें इस बात का उल्लेख था कि अमीर अनवर खानजादा और सुमित जैन किसी जमीन से संबंधित मीटिंग के लिए 21 तारीख को घर से निकले थे और दोनों ही घर नहीं लौटे। इसमें सबसे ज्यादा चिंता की बात यह थी कि दोनों का मोबाइल फोन स्विच ऑफ था, जिसकी वजह से किसी अनहोनी के आशंकों को भांपते हुए अमीर के परिवार ने मिसिंग की रिपोर्ट नेरूर पुलिस थाने में दर्ज करवा दिए, जिसके बाद रायगढ़ पुलिस को एक बलिनो कार और उसी से कुछ दूरी पर एक लाश मिली। तफ्तीश के बाद ज्ञात हुआ कि दो लोगों के मिसिंग की शिकायत नेरूर पुलिस थाने में दर्ज था और जब जाँच को आगे बढ़ाया गया तब साफ हो गया कि मामला नेरूर पुलिस थाने का ही है। तब आगे की जिम्मेदारी नेरूर पुलिस थाने को सौंप दी गई। नेरूर पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी को सपने में भी गुमान नहीं था कि गुमशुदा व्यक्ति की हत्या हो गई होगी। यह सोचकर निश्चिंत थे कि दोनों कहीं पार्टी मनाने गए होंगे और वह घर लौट आएंगे, लेकिन एक अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने की जिम्मेदारी नेरूर पुलिस थाने के गले की फांस बन गई। नवी मुंबई पुलिस की बात की जाए तो उनके सामने यह सवाल खड़ा हो गया कि आखिर नवी मुंबई में चल क्या रहा है। हत्या के वारदात का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मात्र 2 से 3 महीने के भीतर कई सनसनीखेज घटना घट गई। यही वजह रही कि नवी मुंबई पुलिस के आला अधिकारी ने एक मीटिंग बुलाई। इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए एक दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी की टीम, या यूं कहें कि रैपिड एक्शन फोर्स की तर्ज पर एक दर्जन से ज्यादा टीम को हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए तैनात कर दिया गया, जिसमें क्राइम ब्रांच तक की टीम शामिल थे। उसके बाद गुमशुदा अमीर को खोजने में पुलिस जुट गई, जिसकी वजह यह थी कि सुमित की लाश मिल चुकी थी। ऐसे में पुलिस विभाग के दिमाग में कई सवाल कौन रहे थे कि कत्ल को अंजाम देकर अमीर फरार तो नहीं हो गया, कहीं कोई बड़ी रकम का मामला तो नहीं, या कोई दूसरा व्यक्ति रुपए के लालच में दोनों को निपटा तो नहीं दिया, या दोनों के बीच कोई स्त्री तो नहीं आ गई। दर्जनों सवाल पुलिस के दिमाग को मथे जा रहा था पर सवाल के जवाब नहीं मिल रहा था। 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक पुलिस कर्मियों की नींद हराम हो गई थी, जिनके कांधे पर जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लगातार अमीर और सुमित के फोन पर किसने किसने बात किए यह खंगाला जा रहा था। आईटी एक्सपर्ट पुलिस के विभाग के आला अधिकारी कुछ संदिग्ध नंबर खोज निकाले, जिनकी बातें सुमित से लगातार हो रही थी, और फिर जब उनकी कुंडली खंगाली गई तब नवी मुंबई पुलिस को लगा अब हत्या की गुत्थी सुलझाने के करीब पहुंच चुके हैं। तब जाकर एक संदिग्ध को लाया गया और फिर 4 संदिग्ध को और दर्द पहुंचा गया। आपको बता दें कि पुलिस को जो एक दर्जन से ज्यादा टीम काम कर रहे थे उनके बीच तालमेल इतना बेहतर था कि आरोपियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और सारे के सारे दबोच लिए गए। उनमें से एक भागने में कामयाब रहा, यूं कहें कि वो ज्यादा चालाक था, जो मुंबई और नवी मुंबई छोड़कर फरार हो चुका था, जिसकी तलाश अभी जारी है। खैर, लौटते हैं इन 5 आरोपियों की तरफ जिनसे नवी मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही थी। आप सोच सकते हैं जिन्होंने कई रातें बिना नींद के गुजारे हो और वह संदिग्ध आरोपी मिल जाए तो उनका रवैया क्या होगा। जनाब, दूसरे दिशा में अपना ध्यान ना भटकाएं। नवी मुंबई पुलिस अब हाईटेक बन चुकी है, पर कभी कभी नुस्खा पुराना अपनाना पड़ता है। नवी मुंबई पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को शाही मटन बिरयानी, सीख कबाब और अंत में कुछ मीठा हो जाए यह सोचकर आइसक्रीम और रसगुल्ले तक खिलाए। तब पकड़े गए आरोपियों ने प्रसन्न होकर अपना मुखार बिंद खोले, जिसके बाद हत्या के वारदात से पर्दा उठ गया और नवी मुंबई पुलिस विभाग की टीम को लगा कि 5 आरोपियों की सेवा सत्कार का काम जाया नहीं गया, जिसके बाद जांच में जुटी पुलिस को राहत मिल गई। जिसकी वजह यह थी कि अमीर की जानकारी आरोपियों ने पुलिस को दे दी, पर यह दुखद थी कि अमीर खानजादा को भी मौत की नींद सुला दी गई। आपको बता दें कि अमीर खानजादा के परिवार के लोग लगातार नेरूर पुलिस थाने में थे। उन्हें अंदेशा हो गया था कि कुछ मामला संगीन है, पर जिस दिन उन्हें इस बात की हकीकत पता चली कि अमीर अब इस दुनिया में नहीं है, उसे भी रुखसत कर दिया गया है, तब उनके परिवार का आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गया और अमीर के अपने सगे संबंधी पुलिस थाने में जार जार रोने लगे। उनके सब्र का बांध टूट चुका था।
वह हृदय विदारक दृश्य को मैं देख रहा था, उनकी पीड़ा का आभास मुझे था, पर मैं चाहकर भी उनके जख्म पर मरहम नहीं लगा सकता था। 28 तारीख के सुबह तकरीबन 10:30 और 11 के बीच अमीर के परिवार के साथ पुलिस पनवेल से कुछ किलोमीटर फासले पर कर्नाला वर्ल्ड सेंचुरी के करीब झाड़ियों में फेंकी गई अमीर की लाश को बरामद कर ली। दोहरे हत्याकांड में पुलिस को यह जानकारी मिली कि दोस्त ही दोस्त के जान का दुश्मन बन गया, और इसमें भी यही देखने को मिला कि दुश्मनी की वजह धन यानी कि दौलत थी। जी हाँ, हमारे बुजुर्ग भी कह गए हैं, तीन चीजें हमेशा झगड़े की वजह बनती है, वह है जर, जमीन और जोरू। यहाँ जमीन से जुड़ा रुपया झगड़े की वजह बनी। इसमें पुलिस की जांच में आरोपियों ने खुलासा किया कि खपोली पाली के पास 3.5 एकड़ जमीन की डील 2 से 3 करोड़ रुपए में की गई थी। इस डील में सुमित तो था पर अमीर शामिल नहीं था, और जमीन बेचने के जो रुपए मिले थे उसमें अमीर को कुछ हिस्सा नहीं मिला। पर अमीर को इस बात की भनक लग चुकी थी कि जो डील किया गया है वो फर्जीवाड़ा करके माल बनाया गया है। यही वजह रही कि अमीर सुमित से रुपयों की मांग कर रहा था, जिसकी वजह से सुमित परेशान हो गया। सुमित को लगा कि इस तरह से अमीर पीछे पड़ा रहा तो हो सकता है उसे भी सलाखों के पीछे जाना पड़े। आपको बता दें कि पाली की जो जमीन बेची गई थी उस जमीन का असली मालिक कोविड के दरमियान मर चुका था। नकली मालिक खड़ा कर सुमित करोड़ों के वारे न्याय करने का फुल प्रूफ प्लान बना चुका था, पर अमीर सुमित के गले की हड्डी की तरह फंस गया था, जिसे निकाल फेंकने में सुमित ने बेहतर समझा। और यही वजह रही कि सुमित ने फिर एक शैतानी खेल खेलने का निर्णय लिया, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए शार्प शूटर की व्यवस्था की गई और अमीर को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई गई। और वह दिन भी आया जब अमीर को एक मीटिंग के लिए बुलाया गया। अमीर को सपने में भी गुमान नहीं था कि सुमित इतना भयानक घटना को अंजाम दे सकता है। उसे लग रहा था कि वाद विवाद हो सकता है, और अमीर ने मानो अपने आप को समझा लिया था कि वह इन हालातों को संभाल लेगा, पर वक्त क्या खेल खेलेगा किसी भी इंसान को पता नहीं होता, और यही अमीर के साथ हुआ। अमीर जैसे ही कार में सवार हुआ उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया। उस वक्त कार में 3 लोग सवार थे, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था अमीर के बॉडी को ठिकाने लगाना। और फिर सबसे पहले अमीर की बॉडी को कर्नाला बर्ड सेंचुरी के करीब जंगल में फेंक कर तीनों निकल कर राहत की सांस लिए। उसके बाद शूटर के दिमाग में अपने रुपयों की बात चलने लगी। वहीं सुमित को लगने लगा कि अगर राज खुला तो वह कत्ल के केस में जेल जा सकता है, और वह अपने मन में अपने आप को बचाने की योजना बनाने लगा। कार में सवार 2 अलग-अलग लोग थे, जिनके हत्यारे यानी कि किराए के शूटर को अपने काम को अंजाम दिए गए बकाया रकम चाहिए था, और सुमित को किसी जाल में नहीं फंसना था। यही सोचकर सुमित ने अपने पैर पर गोली चला दी। यही वजह है कि शार्प शूटर को सुमित की मंशा समझ में आ गई, दोनों में झड़प भी हुई और कातिलों ने सुमित के पैर में चाकू से वार कर दिया ताकि सुनिश्चित हो सके कि रकम कब और कैसे मिलेगा। लेकिन कातिलों के मंसूबों पर तब पानी फिर गया जब सुमित भी इस दुनिया को छोड़कर चल निकला। असल में बात यह थी कि गाड़ी चलती रही और झगड़ा भी चलता रहा। सुमित के शरीर से लगातार खून पानी की तरह बहता चला गया, और अत्यधिक खून बहने की वजह से सुमित भी हलाक हो गया। अब गाड़ी में सवार 2 कातिल को लगा कि मानो उनकी जिंदगी उजड़ गई। कहावत आपने सुनी होगी कि सर मुड़ाते ही ओले गिरे, यही हाल इन कातिलों का हो गया। आनन फानन में दोनों ने मिलकर सुमित के बॉडी को रायगढ़ के पेन के हद में बुद्रुक इलाके में सुमित की बॉडी को फेंक और गाड़ी छोड़कर भाग निकले। चलिए जानते हैं पकड़े गए 5 कातिल यानी कि सुपारी बाज कौन थे। विठल भवन नाकाड़े मुंबई कंजूरमार्ग निवासी, जय सिंह उर्फ राजा मधु मुदलियार थाने बदलापुर निवासी, आनंद उर्फ एंड्री राजन क्रूज नवी मुंबई निरोल निवासी, वीरेंद्र उर्फ गोरिया भारत कदम मुंबई कंजूरमार्ग निवासी, अंकुश उर्फ अंकिया प्रकाश सीतापुरे उर्फ सीताफे थाने उल्लासनगर निवासी। यह सभी पुराने नंबरधारी हैं, सभी सरकारी मेहमान बनकर जेल का सुख आराम भोग चुके हैं, और फिर इन्हीं सरकारी मेहमान बनने का रास्ता तैयार कर लिया है। यही थी इन 5 लोगों के जिंदगी का फलसफा। चलिए एक नज़र अब सुमित पर डालते हैं। सुमित ऐश मौत में जीना चाहता था। वह जमीन जायदाद में कई लोगों से रुपए उधार ले चुका था, और वह करोड़ों के कर्ज में डूब चुका था। वह एक गड्ढे को भरने के लिए दूसरा गड्ढा खोदकर जिंदगी के दिन गुजार रहा था। वो जिंदगी से हार कर एक बार खुदकुशी की कोशिश भी कर चुका था, पर इस बार जीने के लिए मरने की साजिश असफल हो गई। अमीर खानजादा मुरुज जंजीरा का रहने वाला था। नवाबों के साथ उनके परिवार के ताल्लुक हुआ करते थे, और उनके घर में शायद ही कुछ कमियां हो, पर ख्वाहिश और बेहतर जिंदगी के लिए वह राजनीति और जमीन के धंधे में जुड़ा हुआ था। पर जिंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंचा देगी उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। सपने और रुपये के खेल में जहां दो जिंदगी
गर्क हो गई। वहीं सुमित और अमीर के परिवार में गम का पहाड़ टूट पड़ा। नवी मुंबई पुलिस की टीम ने जितनी जी जान लगाकर हत्या की गुत्थी सुलझाए है वह काबिले तारीफ है। उम्मीद है कि इसी तरह भविष्य में अपनी ड्यूटी निभाते रहेंगे और नवी मुंबई पुलिस का नाम रोशन करेंगे। वैसे पुलिस के इस टीम के लिए एक सलाम तो बनता है। देखें, यही वह सुपारी किलर है। न इन्हें रुपया मिला, न ही पान की सुपारी, उल्टे सरकारी भत्ता खाने की बारी आ गई। पकड़े गए आरोपियों की जानकारी पत्रकार परिषद में दी गई। हम भी इस अवसर पर मौजूद थे। हमने भी आला अधिकारी से कुछ प्रश्न पूछे, सुने। सर, सुमित जैन और आमिर खान ज्यादा की हत्या कैसे की गई और किसने सुपारी दी और हत्यारे कौन थे? 21 तारीख को रात को 11 बजे दोनों घर से निकले। उसके बाद घर में न आने के कारण उनके जो घर वालों ने मिसिंग कंप्लेन दी थी नरोल पुलिस स्टेशन में 22 तारीख को। तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में हमें ऐसा मालूम चला कि एक जो व्हीकल है बलेनो जो आमिर की थी, वो खलापुर में एक जगह हमें पाई गई अबंडन। उसमें व्हीकल में एक फायरिंग के सिम्टम्स और दो एम्प्टी कार्ट्रिज मिली और थोड़ा ब्लड दिखा। तो उसके आधार पर हमने जरूर में FIR रजिस्टर की 30 आर्म्स एक्ट विथ अटेम्प्ट टू मर्डर एंड 363। उसके इन्वेस्टिगेशन में दरमियान जब खोज कर रहे थे तो हमें पहले सुमित जैन की बॉडी मिली रायगढ़ हद्दी में। तो उसका भी हमने फिर और इन्वेस्टिगेशन किया तो रीज़न क्या हो सकता है इनका 363 या जो ऑफेंस हुआ उसके बारे में मोटिव क्या हो सकता है। तो ये पता चला कि ये दोनों का जो रियल इस्टेट का बिजनेस था और कुछ डिस्प्यूट्स थे कुछ प्रॉपर्टी के आने वाले पैसे पे, तो उससे ये हुआ है ऐसा इन्वेस्टिगेशन मिला। तो उसमें से सस्पेक्ट जो था, जो उसका फ्रेंड था सुमित जैन का मिठल नाकाड़े, उसको हमने पहले हिरासत में लिया और उसके पूछताछ में हमें पूरी स्टोरी जो है थोड़ी सामने आई। तो स्टोरी इस प्रकार थी कि ये पूरा प्लानिंग जो था एक दो दिन पहले सुमित जैन ने और मिठल नाकाड़े ने किया था कि इसमें सुपारी देगी 50 लाख की थ्रू विठल नाकाड़े और एक जो नेहरू के रहवासी है आनंद क्रूज के मार्फत एक सुपारी दी गई। और इसमें आमिर जो पैसे के पीछे मांग रहा था कि जो उसका जो शेयर था जो प्रॉपर्टी का डिस्पोजल उन्होंने किया था गलत तरीके से, तो उसको मालूम था। और ये दोनों सुमित और आमिर ये दोनों 2-3 साल से काफ़ी व्यवहारों में साथ में काम कर चुके हैं और ये जो डॉक्यूमेंट था फ्रॉड था ये इसमें कुछ गलत है आमिर को मालूम था। उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन में इनमें कुछ डिफरेंसेस थे। तो और सुमित के ऊपर करीब करीब 12-15 करोड़ का कर्जा भी हो गया था। इसमें आमिर का और सुमित का ऐसा व्यवहार था कि आमिर प्रॉपर्टी ढूंढ के लाएगा और सुमित जो है वो इन्वेस्टर लाएगा। उनमें कुछ व्यवहार हो सकते हैं कुछ, पर डिस्प्यूट का मेन जो अब तक सामने आया है कि जो रोहा की प्रॉपर्टी है, पाली की प्रॉपर्टी सॉरी, उसके ऊपर से इनका डिस्प्यूट हुआ था। और सुपारी सुमित जैन ने नाकाड़े के मदद से जो मेन जो है जयसिंह उर्फ राजा मुदलिया और उसका जो सरकारी जो अभी वांटेड है उनको सुपारी दी गई और उन्होंने पूरा फिर नेरुल में गाड़ी में बैठ के बाकी जो सुमित को स्टैब करना डिस्पोज करना ये सब जो है किया। और सुमित को उनकी मारने की पहले प्लानिंग नहीं थी, पर बाद में जो ब्लड लॉस हुआ एक्सेस और जो डिस्प्यूट हुआ गाड़ी में और उसके बाद में और जो सेविंग उसकी हुई पैर पे, उससे उसकी डेथ हुई ऐसा अब तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है। फिलहाल दोहरे हत्या के राज से पर्दा नवी मुंबई पुलिस उठा चुकी है और हम आपको विस्तृत जानकारी दिए हैं। उम्मीद है आपको भी हकीकत का पता चल गया होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी की बात की जाए तो हमें यह हादसा कुछ सबक दे रहा है। आशाओं के पीछे आंख बंद कर भागना जहां जीवन का सुकून और चैन खत्म कर देती है और कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं जैसे जीवन नर्क बन गया हो। हम यही कहना चाहेंगे, आज में जिए, आंख खोलकर सोच समझकर अंधे दौड़ से बेहतर है। जो मिला है उससे खुश रहे। हकीकत यह है कि दौलत से खुशियां खरीदी नहीं जा सकती, दिखावे का सामान खरीदा जा सकता है, आंतरिक खुशियां बाजार में नहीं मिलती। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो। अगर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।